चलो। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 800 मीटर गर्ल्स की ट्रायल जो स्टार्ट हो चुकी है, बारिश के कारण रोड के ऊपर ट्रायल हो रही है, तो आप देख सकते हो गे ट्रायल गर्ल्स की। तो मैं ये कहूंगा जिस प्रकार से गर्ल्स ने शुरू में ट्रायल होते ही स्टार्टिंग होते ही उठा दिया है, और उसी प्रकार से आप ये मान के चलो कि आप भी जब भी कोई भी गर्ल्स जो रनिंग की आप टेस्ट दोगे, जहां भी आप टेस्ट दोगे, आपको शुरू में 200 मीटर आपको स्पीड फास्ट तक नहीं होगा, क्योंकि 800 मीटर के अंदर ये समय नहीं होता है कि आप शुरू में स्लो दौड़े बाद में अपने आप को फास्ट दौड़े। लेकिन ये हो सकता जरूरी है कि आपको 100 मीटर या 200 मीटर तो शुरू में आपको उठा के ही चलना पड़ेगा, उसके बाद आप हो सकता है तो नॉर्मल थोड़ा आपके स्टेप के रनिंग के आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं गर्ल्स से ये कहूँगा कि आपके पास अगर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने का समय है, तो प्रैक्टिस इतनी हार्ड कीजिए कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक 800 मीटर में आप बस खींच के रखें, जिससे आप जो चाहते हो जो टाइमिंग आए, जिससे कि अंदर आप जब भी आपका फिजिकल हो, चाहे एमपी प्लस का हो, चाहे डेडी प्लस का हो, कोई भी फिजिकल हो, उसके अंदर एसएसजीडी का भी है, फिजिकल में आप तभी पास हो सकते हो, अच्छे नंबर के अंदर तभी आ सकते हो गे जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक अच्छी एक टाइमिंग दे। टाइमिंग तब टाइमिंग वो होती है जिसके अंदर अगर आप टाइमिंग अच्छी टाइमिंग देने के लिए आपके स्टेमिना पावर और आपकी प्रैक्टिस और एक डाइट बहुत जरूरी होता है। तो बहुत काफी समय का तकरीबन आप दे सकते हो, एक महीने बाद में आपके गर्ल्स की और बॉयज की मैं ट्रायल की वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि काफी दिवाली से पहले और बच्चे काफी चले गए थे, और दिवाली के बाद आने के बाद बच्चे काफी थोड़ी वर्कआउट बहुत दिन से हुआ नहीं हुआ था, इसी कारण से थोड़ा टाइमिंग नहीं डाल पाया। और आप देख सकते हो ये दिवाली के बाद पहली ट्रायल है, तो बच्चे काफी, आज का मौसम थोड़ा ठंड होने के कारण बच्चे काफी कम आए हैंगे और काफी गर्ल्स भी कम आई है, तो आप देख सकते हो। लेकिन वो जो शुरुआत के जो बैचेस थे उनमें आप देख सकते हो, और इनमें एक ही चीज कहूंगा कि जो भी गर्ल्स शुरुआत कर रही है तो डरे नहीं, टाइमिंग एकदम नहीं बनती है, थोड़ा समय लगता हैगा। तो उन बच्चों से कहूंगा जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जब नाम आएगा तो हम फिजिकली तैयारी करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी आर्मी का जो फिजिकल हुआ था गर्ल्स का, उसमें हमने चीज देखी थी, 21 तारीख को उनका फिजिकल के लिए आया, और 29 तारीख को फिजिकल, सिर्फ 8 दिन का ही उन्हें मौका मिला प्रैक्टिस करने का। तो यही कहूंगा कि अगर आपके साथ में भी आप एसएसजीडी की या फिलहाल आप एमपी पुलिस की, डेडी पुलिस की जो उन्होंने पेपर दिए हैं, तो अभी से मैं कहूंगा कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एकदम बहुत ही ज्यादा इस साल जो वैकेंसीज हैं बहुत जल्दी जल्दी निकल रही हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो फिजिकल आप तैयार रखें तभी अपना सिलेक्शन हो पाएगा। आप पेपर निकाल रहे हो लेकिन फिजिकल सही नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आप देख सकते हो कि मोना बिल्कुल फिनिशिंग करते हुए, फिर भी आप देख सकते हो बारिश के कारण देखो रोडों के ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो 3 मिनट का तकरीबन समय हो चुका है और ये उनका 800 मीटर की फिनिशिंग आ चुकी हैगी। तो हम देखते हैं कि उन्होंने कितने मिनट में उन्होंने अब 3 मिनट कितने सेकंड में उन्होंने फिनिशिंग किया, तकरीबन आप देख सकते होगे 3 मिनट 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड एंड 16 सेकंड, तकरीबन 3 मिनट 16 सेकंड के अंदर उन्होंने फिनिश किया। और बाकी गर्ल्स का जो गैपिंग आप देख सकते हो, तो ये कहूँगा कि गर्ल्स के लिए खासकर आगे अभी से आप अपनी फिजिकल की तैयारी, दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने के अंदर जितना हो सके आप अपनी, अच्छा मौसम रहता हैगा, ठंडा मौसम रहता हैगा, प्रैक्टिस को बहुत अच्छा लंबा खींचे और अच्छी प्रैक्टिस करें। 3 मिनट 40 सेकंड का तकरीबन आप देख सकते हो नेक्स्ट गर्ल्स आई है। तो जो भी गर्ल्स तैयारी करना चाहते हैंगे तो बिल्कुल उदय फौज ग्वालियर के अंदर या ग्वालियर के आसपास के जो भी बच्ची गर्ल्स होती हैं या बॉयज होते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हो। फिजिकल की तैयारी यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम ही वर्कआउट चलता आएगा, तो इसी प्रकार से बिल्कुल आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी ट्रायल के अंदर किस प्रकार से जो गर्ल्स आई हैं आप उनको देखेंगे, और यहाँ पर ये नहीं कि कोई गर्ल्स रुक जाए, लास्ट तक जितना हो सके उनको खिंचाया जाता है और लास्ट तक उनको फिनिशिंग देना जरूरी है, और टेस्ट देना हर सोमवार को यहाँ टेस्ट होता है। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों अगर आप एसएससीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बेहतरीन बुक बताता हूं। ये बुक आप जो बताने जा रहा हूं वो बुक है चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड। ये गाइड सबसे बेहतरीन गाइड है, ये बेस्ट सेलर किताब है, सबसे बेस्ट बुक है। इसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्कशास्त्र के साथ साथ काफी सारे अन्य क्वेश्चन भी हैं। इसमें 2800 से ज्यादा प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर और भी अन्य चीजें हैं। इसके अलावा इनकी स्टडी गाइड्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। स्टडी गाइड के अलावा इनके प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट्स में आपको काफी सारे प्रश्न मिल जाएंगे, काफी सारे उनके आंसर्स मिल जाएंगे। इनको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। जय हिंद दोस्तों।